आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं और साथ ही अनहेल्दी खाना छोड़ दिया है, फिर भी आप वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं। एक स्टडी के अनुसार अगर 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा हम सेम डाइट फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी यूज हो जाती है, उसे अडाप्ट कर लेती है। और ये रीज़न हो सकता है कि वेइंग स्केल पे आपका जो वेट है वो चेंज नहीं दिख रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, हमारे सिस्टम में, अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। जब हम वेइंग स्केल पे कुछ भी डिफरेंस नहीं देखते हैं तो लगता है कि सारे एफर्ट्स वेस्ट जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वेट इज ए नंबर, इट्स इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, मगर इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। वेट के अलावा भी बहुत सारे हेल्थ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, हमें टाइम से नींद आती है, हम साउंड स्लीप लेते हैं, हमारा ईटिंग पैटर्न अच्छा हो जाता है, वाटर इंटेक अच्छा हो जाता है, प्रोटीन सेट हो जाता है, हेल्दी ईटिंग पैटर्न डेवलप हो जाता है। जिनके मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल है, उनके कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो सिर्फ वेट के बेसिस पे हम अपनी हेल्थ को नहीं जज कर सकते हैं, उसके अलावा हमें और भी जो जितने सारे हेल्थ पैरामीटर्स हैं उन्हें भी इम्प्रूव करके देखना चाहिए। हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो हमारे बॉडी और माइंड में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। हम खुद को बेटर और एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारा सिस्टम सारा अच्छे से काम करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वेइंग स्केल पे जाएं और डिफरेंस नहीं दिखे तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप फॉलो कीजिए ये 5 टिप्स। पहले तो आपको एक हेल्दी डाइट लेना है, और अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो इसमें कुछ चेंजेस ला करके देख सकते हैं, जैसे कि कुछ लो कैलोरीज न्यूट्रिशियस हेल्दी न्यू रेसिपीज ट्राई करें। इसके अलावा आप अपना वाटर इंटेक पे ध्यान दें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोई भी फैट डाइट फॉलो नहीं करना है। फैट डाइट फॉलो करते हैं तो मे बी आपके जो वेइंग स्केल पे उस पर इमिडिएट रिजल्ट्स दिखे, बट उसका लॉन्ग टाइम बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेयर फॉल हो जाते हैं, स्किन लूज होता है, नेल्स टूट जाते हैं। अगर आपको मेडिकल कंडीशंस है तो वो और वर्स हो जाता है, और अगर आपको नहीं है तो और डिफरेंट बहुत तरह के आपके मेडिकल कंडीशंस शुरू हो सकते हैं। इसीलिए फैट डाइट को फॉलो नहीं करना है, एक ऐसी डाइट को फॉलो करना है जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं। वेलनेस मंत्र दीन से अपना कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज डाइट प्लान भी ले सकते हैं। जब भी आप कोई फैट डाइट फॉलो करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे डाउन होती जाती है, और हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल और ज़्यादा अच्छी होती जाती है। अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ऐड करें, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, कॉर्न। अपनी डाइट में कुछ वेरिएशंस ला करके देखें। आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है बट इमेज लॉस हो रहा है, तो ये भी बहुत ही हेल्दी एंड पॉजिटिव साइन है। आपके बॉडी से फैट बर्न हो रहा है और आप मसल्स बिल्ड कर रहे हैं। अपनी डेली रूटीन में कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी को ऐड कीजिए, और अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो उसमें कुछ वेरिएशंस ला के देखिए, कुछ चेंज ला के देखिए। आप स्पोर्ट्स में भी ट्राई कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, साइकिलिंग, स्विमिंग भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फन एक्टिविटी होगा और आप बोर भी नहीं होंगे। वेट लॉस करने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को रिजुविनेट करती है, हमारा सिस्टम जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करता है खुद को नेक्स्ट डे के लिए। उसके अलावा जो हमारे हार्मोन्स है वो बैलेंस होते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव होता है। स्ट्रेस को भी आपको इम्प्रूव करने की, आपको अपने स्ट्रेस पे भी काम करने की ज़रूरत है। आप स्ट्रेस अपने आप को एक्टिविटीज़ में इंगेज कीजिए जो आपके स्ट्रेस को दूर करें। वॉक पे भी जा सकते हैं आप, ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को डिस्ट्रेस करने का। हमारा सारा ध्यान डाइट और वर्कआउट पे होता है। स्लीप और स्ट्रेस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए, जितना कि डाइट और वर्कआउट है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक।